होली के बारे में बताइए, होलिका दहन क्यों मनाया जाता है? होली का दहन जो है तो धर्म का विजय है और अधर्म का नाश है, इसलिए उस पर मनाया जाता है। और ये जो है तो हर्षोल्लास और समाज को सबको मिलन का यह पर्व है। सब हर व्यक्ति हर समाज जो है सो अपने आप में मिल जाते हैं और इसको मनाया जाता है। और होलिका जो है वह भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था और उसको जो है सो दुष्ट प्रवृत्ति जो हिरण्यकश्यपु था वो अपने बहन को उसको आग में जलाने के लिए बोला था और उसको ब्रह्मा का वरदान दिया हुआ था वो चादर, उस चादर से ओढ़ करके वह होलिका जो है सो बैठ गई और प्रहलाद को जलाने के लिए आग जलाया गया। उसी पर जो है सो भगवान की ही कृपा होती है, जहाँ पर जो कि ऐसी हवा उठा कि भक्त प्रहलाद जो है सो चादर में लिपट गए और जो है होलिका जो है सो सुदाह हो गई थी। यहाँ पर यही प्रतीक बताया जाता है कि धर्म जो है वो धर्म है, सत्य जो है वो सत्य है और अधर्म का कभी भी जो है सो नाश होता ही है। समाज में आप क्या सोचना चाहते हैं? आप देख रहे हैं स्टार मिथिला 99, उन्होंने महादेव शरण मंदिर के पुजारी ने बताया कि होलिका दहन क्यों मनाया जाता है। और मैं अपने चैनल के माध्यम से तमाम देशवासियों को बताया यह होलिका दहन क्यों मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि पाप के अंत करने के लिए यह होलिका दहन मनाया गया है और सभी सनातन धर्म प्रेमियों को संदेश दिया गया है कि आप सत्य पे चले, सत्य के मार्ग पे चले। होली के रंग में जैसे अनेकों रंग में से मिलते हैं, उसी समान इस होली के रंग के साथ साथ अपने प्रेम का भी रंग में सभी समाज के आदमी एक रंग में मिले और भाईचारा का संदेश दें। आप देख रहे हैं स्टार मिथिला 99। धन्यवाद।